राइनॉक्स का इतना घटिया एक्सपीरियंस था ना, इतना घटिया एक्सपीरियंस, मतलब बोलते हैं ना मेरे को तो गाली आ रही है देने के लिए, फालतू सर्विस है, इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को, एटलीस्ट मतलब ट्राई करने भी नहीं दे रहे ये लोग इतना, इसीलिए राइनॉक्स में ना आओ ही मत, इतने घमंडी लोग हैं ना यहाँ पे, ऐसे दिखाते हैं बहुत बहुत ज़्यादा घमंडी लोग हैं, मतलब बोलते हैं ना एक एटलीस्ट इंसान को ट्राई करने तो दो कि हाँ अगर पसंद आए तो ले ही लेगा ना बंदा। हम लोग का ये वाले स्टोर का तो एक्सपीरियंस वाज वेरी बैड, बहुत एरोगेंट था वो बंदा। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, सो आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए एंड गुड मॉर्निंग गाइस। आज है संडे एंड इसे इग्नोर करना, मेरा जो अभी हालत है वो उसे इग्नोर करना, क्योंकि अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ एंड ये जो मेरे हेयर की कंडीशन अभी आप देख रहे हो ये कल के हेलमेट डाल के उतार के डालते उतारते हो गई है। सो इसे थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि कल मैं गया था, सैटरडे नाइट था, सो सैटरडे था कल, सो सैटरडे नाइट के लिए मैं राइड के लिए गया था, सो नोमैन के साथ मैं गया था, सो रवि भाई नहीं थे, सो रवि भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो सो थोड़ा हमारे साथ आओ यार, हम लोग मिस करते हैं आपको। तो रवि भाई नहीं थे तो नोमैन और मैं गए थे, हम लोग गए थे बैंड स्टैंड में जाके हम लोग ने चिल किया, थोड़ी बातें की एंड थोड़े कुछ ना कुछ अपग्रेड चीज़ें करने की हम लोग ने बातें की एंड कुछ ना कुछ हम लोग ने प्लान बनाए हैं, वो आगे हम लोग वीडियो में दिखाएंगे। सो जैसे प्लान बनाएंगे एंड आई नो वीडियोज़ नहीं आ पा रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि जॉब भी देखना पड़ता है एंड साइड बाई साइड वीडियोज़ भी, हमें कॉन्टेंट भी देना रहता है एंड थोड़ा आपको अगर आपके लाइफ में पीस चाहिए तो बाइक राइड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड नाइट की जो राइड रहती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल की नाइट रहती है एंड एक पीस होता है, एक शांति भरा माहौल। सो रात में शांति भरे माहौल में राइड करना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम लोग गए थे बैंड स्टैंड, थोड़ा खाए पिए, थोड़ी वीडियोज़ निकाले एंड फिर हम लोग ने थोड़ी बातें की एंड हम लोग आ गए 3 बजे, मैं घर पे आया, अभी बज रहे 10 एंड अभी जस्ट उठा हूँ मैं एंड आज है संडे, तो संडे के दिन पे राइट एंड आज है संडे, तो संडे के टाइम पे हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग आज जाएंगे एक लॉन्ग राइड पे, बट कैसे है कि लॉन्ग राइड पे अगर जाना है तो अब हमारे पास सेफ्टी होनी भी ज़रूरी है, मतलब जैकेट हुए, बूट्स हुए एंड बहुत सारी चीज़ें, तो हम लोग के पास मेरे पास जैकेट नहीं है एंड रवि भाई के पास भी जैकेट नहीं है। तो हम लोग ने आज प्लान बनाया हुआ है कि आज हम लोग प्रोटेक्शन लेंगे, मतलब जैकेट लेंगे। सो गलत मत समझना, तो आज हम लोग जैकेट लेने जाएंगे, आज संडे है, तो फटाफट मतलब हम लोग मिलने वाले हैं दोपहर में 1 बजे। सो 1 बजे हम लोग पहले जाएंगे, देखते आज हमें पता नहीं है कि हम कौन सा जैकेट लेने वाले हैं, क्या करने वाले, कैसे क्या, तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे जाएंगे, हमें जो अच्छा एंड हमारे बजट में जो बेट मिलता है वो हम लेंगे एंड आपको भी बताएंगे कि हमने ये वाला मतलब जो जैकेट लेंगे उसके बारे में हम लोग रिव्यू देंगे कि हम लोग ने ये वाला जैकेट हम लोग ने क्यों लिया, तो आप भी ले सकते हो। सो इसलिए वीडियो आप एंड तक देखना एंड बहुत सारे लोग मुझे पता है कि सब्सक्राइब नहीं करते देख के, तो थोड़ा रहम करना, थोड़ा सब्सक्राइब करना चैनल को एंड बेल आइकन जरूर दबाना एंड अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लेना। मतलब लेवल 2 का ही हम लोग लेंगे, ज़्यादा मतलब देखो रिस्क ज़्यादा है तो लेवल 2 का ही हम लोग लेने वाले हैं, तो वो कौन सा लेवल 2 का लेने वाले हैं जैकेट तो देखते हैं, वहाँ पे ही जाके देखना पड़ेगा क्योंकि हमें भी इतना आइडिया नहीं है, आइडिया है पर हमें वो कम्फर्ट ये सारी चीज़ें हमें पहन के ही पता चलती है। तो सुबह सुबह मैंने ये सोचा कि अगर जैकेट लेने जा ही रहे हैं तो अपने चुई मुई को साथ ही लेके जाते हैं क्योंकि काम इजी हो जाएगा, तो मैं जाने के लिए नीचे उतरा एंड मैंने अपने चुई मुई को देखा तो अपने चुई मुई का जो लेग गार्ड है वो किसी ने तोड़ दिया था। इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं यहाँ पे कि लेग गार्ड भी अभी तोड़ने लगे, फिर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा यार मुझे। फिर बाद में मैंने स्टार्ट किया अपने चुई मुई को, तो आप देख ही रहे हो कि चुई मुई की बैटरी पूरी उतर गई थी, मतलब एक है कि अच्छा काम अगर करने जा रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम हमारे लाइफ में खड़ी ना हो, ऐसे कभी हो सकता है क्या। तो फिर मैं अपने चुई मुई को लेके डॉक्टर के पास लेके गया, मतलब मैकेनिक के पास लेके गया, तो वहाँ पे वो मैकेनिक बोला कि इसकी बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, तो इस छोटू ने स्क्रू ड्राइवर निकाला एंड लग गए स्क्रू निकालने के लिए, तो स्क्रू इतना हट्टी था, इतना ढीठ था हमारे जैसा, वो ऑयलिंग करने के बाद भी वो नहीं निकला इस छोटू से। हम लोग बहुत ट्राई कर रहे थे इसको निकालने के लिए, फिर भी नहीं निकला। फिर आए एक्सपीरियंस डॉक्टर, मतलब मैकेनिक जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने सिर्फ एक ही झटके में वो स्क्रू निकाल दिया। राइट गाइस एंड मॉर्निंग से मैं सोच रहा था कि हम लोग जाएंगे जैकेट लेने के लिए, राइडिंग जैकेट लेने के लिए,
तो एंड अभी बज रहे है 6:30 बज रहे हैं एंड अभी हम लोग निकले हैं जैकेट लेने के लिए। तो सुबह से हम लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं नोमेनोर में, क्योंकि रवि भाई काम से आए थे तो सोए थे, कॉल ही नहीं उठा रहे थे। एंड सुबह सुबह हमारी गाड़ी का भी सीन हुआ, आपने जैसे कि देखा वीडियो में, तो सुबह सुबह गाड़ी का काम 25 ही हो गया अपना, तो फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मैंने मैकेनिक हमारे जो डॉक्टर साहब है जुगाड़ू, तो यारो तो वही सीन है कि पता नहीं अचानक मैं गाड़ी कैसे स्टार्ट हो गई एंड अपने आप सेल्फ स्टार्ट लेने लगी एंड स्टार्ट होने लगी गाड़ी। मतलब देखो कैसी है रे यार, मतलब मेरा खर्चा जो होने वाला था वो बच गया, चार्जिंग निकल इसकी बैटरी उतार के वो लोग चार्जिंग करने वाले थे तो पैसा बच गया। तो अभी हम लोग ना आए थे बाइकस्टर ग्लोबल में, वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि रवि भाई थोड़े मतलब बोलते ना सोए थे तो आ नहीं पाए, तो हम लोग उनकी वेट कर रहे थे एंड हम लोग ऐसे ही नोमेनोर में हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे यहाँ वहाँ, तो रवि भाई की वेट कर रहे थे कि नो रवि भाई कब आएंगे, क्या है क्या बम है यार। अरे देखे देखे ये साले ना जोमेटो वाले ना ऐसे है ना साले झिंगुर लोग है यार, मतलब मच्छर कैसे आती है बीच बीच में, वैसे ये लोग यूलू से अपने गाड़ी के बीच बीच में आते हैं। तो गाइज अभी हम लोग बाइकस्टर ग्लोबल आए थे एंड बाइकस्टर ग्लोबल में हम लोग ने सोलेस के जैकेट देखे दो हम लोग ने, तो अभी हम लोग जा रहे हैं राइनॉक्स, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं दोनों की फिटिंग एंड कैसे कंफर्ट है कैसे नहीं। सोलेस तो मुझे पसंद आया है तो हम लोग ने वो ऑप्शन रखा है, चूज़ कर लिया है। तो अभी हम लोग राइनॉक्स जा रहे हैं, दादर में राइनॉक्स का ऑफिशियल स्टोर है, सो वहाँ पे जाके हम लोग राइनॉक्स भी ट्राई कर लेंगे एंड देखेंगे फिर दोनों में से कौन सा, तो एक डिसाइड कर ही लूँगा मैं। एंड आज हम लोग लेंगे, लेके ही रहेंगे जैकेट, क्या जैकेट। तो आज हम लोग है ना अपने चुई मुई के साथ आए हुए हैं क्योंकि जैकेट लेने जाना है, तो फुकट खाली बाइक वहाँ पार्किंग करो ये वो, ये कैसी तो कॉम्पैक्ट है तो कहाँ पे भी पार्क हो ही जाती है, इसीलिए इसे मैं लेके आया। एंड बाय द वे रवि भाई भी अपनी एक्टिवा लेके आए, आरसी नहीं लेके आए। तो दोस्तों कल मैं गया था बैंड स्टैंड, सो बैंड स्टैंड में ना बहुत ही मज़ा आता है नाइट में बाइक राइड करने के लिए एंड अलग ही मज़ा आता है यार बाइक राइड करने के लिए सैटरडे नाइट या फिर संडे नाइट हो, क्योंकि खुला खुला रोड एंड अपने हाथ में बाइक, गियर शिफ्टिंग, ये सारी चीज़ों में ना अलग मज़ा। अरे 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 बच्ची गिर गई ए कैसी रो रही है, हम लोग भी ऐसे ही रोते थे जब हम लोग साइकिल से गिरते थे ना, तो ऐसे ही रोते थे हम लोग, ए मम्मी गिर गया। तो आज मुझे ना अजीब ही लग रहा है बाइक के ऊपर हम लोग मोटर ब्लॉग करते हैं, पर आज हम लोग स्कूटी से कर रहे हैं मोटर ब्लॉग। एंड ये हमारी चुई मुई सुबह सुबह, अभी हम लोग का काम 25 कर देती थी, पर अच्छा हुआ इसने बाद में अपने आप स्टार्ट हो गई, कैसे क्या स्टार्ट हुई पता ही नहीं चला। आज हवा मस्त चल रही है, ठंडा माहौल लग रहा है एंड रोड भी बहुत खुले खुले हैं यहाँ के ना, बहुत सही लग रहा है यार, एकदम सेक्सी। हमारे आगे रवि भाई और नोमेन भाई दोनों जन चल रहे हैं, पर आज कुछ भी कर लो आज मैं जैकेट लेके ही रहूँगा, कौन सा ना कौन सा जैकेट लूँगा, मतलब आज तो अगर पसंद आया तो ले ही लूँगा, घाई नहीं करूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के लेना पड़ेगा क्योंकि पैसे जा रहे उसमें, तो अपने पैसे घुसेंगे उसमें, तो उस पैसों का सही इस्तेमाल, सही जैकेट लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महंगा जैकेट लेंगे हम लोग एंड वो बाद में जाके अनकम्फर्टेबल होगा, ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए थोड़ा हम लोग सोच समझ के डिसीजन लेंगे, पर अगर इंस्टेंटली अगर कुछ पसंद आता है तो हम लोग बाय कर लेंगे। तो राइनॉक्स में कैसे बताए, राइनॉक्स में ना साले विंटर लाइनर और रेन लाइनर है ना देते नहीं है, सोलेस में वो इंक्लूडेड है और लेवल टू का, तो दोनों लेवल टू हम लोग देख रहे हैं राइनॉक्स के भी और सोलेस का भी, तो दोनों का ये डिफरेंस है, तो वही प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है। देख नाइट का ब्लॉग बना पा रहा हूँ मैं, नाइट में ब्लॉग बना रहा हूँ यार, दोपहर से हम लोग घूम रहे हैं यहाँ वहाँ घूम रहे भटक रहे हैं हम लोग अंधेरी वेश भटक रहे हैं, जोगेश्वरी भटक रहे हैं। व्हाट अ मिनी कूपर भाई, क्या ही कॉम्पैक्ट और एकदम सुंदर गाड़ी सी लग रही है ना, एकदम कॉम्पैक्ट क्यूट सी गाड़ी लग रही है। तो नोमेन ने और हम लोग ने ना कल बर्गर खाया था कार्टर पे खाया था,
बॉम्बे बर्गर, बॉम्बे बर्गर था भाई, क्या टेस्ट थी और क्या ही बर्गर था। मतलब 3 पेटी वाला बर्गर था, चिकन बर्गर, और जो उसकी टेस्ट थी ना सही में, मतलब मेरा तो मतलब होता ना दिल ही जीत लिया उस बर्गर ने ऐसे। मतलब मैं फिर घर जाके ना वही टेस्ट आ रही थी जुबा पे। शादी का माहौल भाई, मस्त नाचने का मन कर रहा है यहाँ पे तो। ये देखो ये देखो ये देखो, आगे पकड़ रहे होगे ना, इसीलिए देखो कैसे यू टर्न मार के जा रहे हैं, क्योंकि ये विदाउट हेलमेट है भाई। आजकल ना बहुत जगह पे नाकाबंदियाँ लगी हुई है, आजकल बहुत जगह पे नाकाबंदियाँ हुई लगी है, क्योंकि अभी कैसे वोटिंग है ना, तो वोटिंग में पैसे भी इसे देते हैं, इधर उधर का पैसों का व्यवहार बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए ना हर गाड़ी चेक कर रहे थे। हम लोग भी कल गए थे बैंड स्टैंड, जा रहे थे नोमेनोर में, तो नोमेन को भी पकड़ा था, पर कोई ना, हम लोग के पास सारी चीज़ें क्लियर है तो क्या ही डर। और हम लोग कहाँ पे पैसे छुपा के लेके जाएंगे यार, हाँ। तो ये सीन बहुत ज़्यादा गाड़ियों में होता है, इसीलिए गाड़ियाँ अभी बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है 20 तारीख तक। वोटिंग के बाद कौन मुड़ के भी नहीं देखेगा वोटिंग के बाद। हे हे भाई, ये लोग गए किधर मेरे को छोड़ के? अरे यार बीच में से गैप अप था, बट पीछे से अगर गाड़ी आ जाती ठुक जाती तो, इसीलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। ऐसे थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ती है रोडों पे, नहीं तो कोई कोई लोग, अरे दिख गया ना बाड़ में गया पीछे का कोई। ये मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। ओके, तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं राइनॉक्स। और रवि भाई, क्या यार रवि भाई लेट करते हो यार तुम। हाँ रवि भाई सोए थे ना, रवि भाई सोए थे। कौन सा देखना था अपन को डायरेक्ट? हेलो साइपर जीटी देखना था, हाँ ठीक है, चल चेक करता है। साइपर जीटी, हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं मेरा सेल्फ का कर रहा हूँ, हाँ हाँ साइपर जीटी एरिक, साइपर जीटी है। A few moments later. राइनॉक्स का इतना घटिया एक्सपीरियंस था ना, इतना घटिया एक्सपीरियंस, मतलब बोलते हैं ना मेरे को तो गाली आ रही है देने के लिए, कि मुझे ट्राई करने के लिए नहीं दे रहे, मतलब ये स्वेट शर्ट के ऊपर ट्राई करने के लिए, एटलीस्ट ट्राई करना तो देना चाहिए ना, इतना बड़ा मतलब ब्रांड रह के भी, मतलब इतने फालतू गिरी है ना, फालतू सर्विस है ना, इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को, एक एटलीस्ट मतलब ट्राई करने भी नहीं दे रहे ये लोग, इतना भाव खा रहे हैं एक्चुअली। एंड इन लोग के पास जो ऑप्शन है ना वो सारे वो लोग बता रहे भी नहीं है, हम खुद से पूछ रहे कि इसमें और कौन से ऑप्शन है। हम लोग ने टॉर्नेडो ट्राई किए बट टॉर्नेडो नहीं जमा, तो वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा था। फिर हम लोग ने सामने से पूछे कि एड GT4 है क्या अवेलेबल, तो बोलते हाँ वो अवेलेबल है, तो उसको लाइक खुद से कुछ तो बताना चाहिए था ना, तो हम लोग को पसंद आता चॉइस करके लेते थे। रवि को तो कुछ पसंद नहीं आया, हाँ रवि बूढ़ा हो गया ना, मुझे ऐसा ऐसा कमेंट दिखा रहा है ना जैसे कि हम लोग कुछ लेने वाले ही नहीं है। और एक्चुअली हम लोग जब बाइक स्टर में गए थे ना, तो वो लोग इतने अच्छे थे, वो लोग ने सब ट्राई किया, बोले हाँ सर ट्राई करो आप, निकाल लो टी शर्ट आराम से ट्राई करो। एंड यहाँ पे राइनॉक्स पे दे आर लाइक, इसीलिए राइनॉक्स पे ना आओ ही मत, इतने घमंडी लोग हैं ना यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा घमंडी लोग हैं। मतलब बोलते ना एक एटलीस्ट इंसान को ट्राई करने तो दो कि हाँ अगर पसंद है तो ले ही लेगा ना बंदा, तो अगर ये मैं इसके ऊपर ट्राई करके देखूंगा तो मैं कंफर्ट कैसे लूंगा कि हाँ भाई मुझे कंफर्टेबल है कि नहीं। ना थिक फैब्रिक का स्वेट शर्ट पहना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट वो बंदा बोल रहा है नहीं हम लोग ट्राई नहीं करने दे सकते ये वो, तो भाई हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इन लोग से अच्छे ना जो वेंडर्स लोग रहते हैं ना, नॉर्मल वेंडर्स लोग, उन लोग से ले लो, उन लोग से राइनॉक्स विनॉक्स से उठा, बट ये ऐसे राइनॉक्स के ऑफिशियल स्टोर रहते हैं ना उनके पास आओ ही मत। मे भी दूसरे स्टोर अच्छे हो, हम लोग का ये वाले स्टोर का तो एक्सपीरियंस हो वेरी बैड, बहुत एरोगेंट था वो बंदा। एंड उन लोग ने अलाउ भी नहीं किया हम लोग को अंदर रिकॉर्ड करने के लिए, दे सेड कि स्टोर का मत रिकॉर्ड करना।
दोस्तों इतनी घटिया सर्विस है ना राइनॉक्स की, वहाँ पे देखो वॉचमैन खड़ा है ना, वहाँ पे चेंजिंग रूम भी है, फिर भी मतलब बोलते ना इतना घमंड है ना इन लोगों को कि ब्रांड अभी बड़ा हो गया ना, तो अभी इन लोगों को मतलब बोलते ना लोगों को ट्राई करने भी नहीं दे रहे, ब्रांड बड़ा हो गया। तो मैं तो बोलूँगा भाई राइनॉक्स थू है भाई, कुछ भी नहीं है, मतलब जैकेट्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं, बट इन लोग की जो सिस्टम है ना वही घटिया है एकदम। तो दोस्तों हम लोग अभी जा रहे हैं दूसरी जगह पे। मुझे राइनॉक्स का अच्छा लगा था जैकेट टोर्नेडो प्रो 4 करके, तो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बट यहाँ पे मतलब मैंने ये स्वेटशर्ट पहना हुआ है ना, तो इन लोगों ने ट्राई करने के लिए दिया ही नहीं। और रवि भाई का भी मूड ऑफ ही हो गया है, फिर भी हम लोग ऐसे मूड बना के जा ही रहे हैं एंड हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। और मेरा भी अभी ब्लॉक करने का मूड था ही नहीं, तो नोमैन मुझे बोला कि भाई कर ही दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दे, अपन दूसरी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे अगर कुछ मिलता है तो अपन जैकेट ले ही लेंगे। बट हम लोग आए थे एक अच्छा मतलब मूड लेके आए थे कि हाँ भाई आज हम लोग जैकेट लेंगे, अच्छे से आए थे हम लोग। बट साला यहाँ की जो सिस्टम है ना, मतलब जो सेल्समैन है, इन लोगों को इतना घमंड है ना कि भाई दिखा भी नहीं रहे कि ये वाला जैकेट है, ये है, वो है, थोड़ा कुछ बता भी नहीं रहे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना लोगों को, मतलब ना लोगों को आप क्या देख के ये सारी चीज़ें करते हो, मतलब कोई पैसे वाला आएगा तो ही आप बताओगे। अपन ना नेक्स्ट टाइम ना बाइक लेके आएंगे तब देखेंगे इसका बिहेवियर। हाँ राइनॉक्स, हाँ ना, फिर भी एक टाइम एक्सपीरियंस करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग सोच रहे हैं बाइक लेके आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये लोग फिर कैसे बिहेवियर करते हैं। भाई मतलब इन लोगों को क्या लगता है कि हम लोग की औकात नहीं है क्या लेने की? भाई है हम लोग की, हम लोग खरीदने के बहाने ही आए थे, पर इन लोग ने जो बिहेवियर किया ना हम लोग के साथ, कैमरा मतलब बोलते ना ऑफ था क्या ऑन था क्या पता, अभी मुझे घर जाके फुटेज देखना पड़ेगा, पर ज़रा सा भी मुझे पसंद नहीं आया। इतनी घटिया थी ना सर्विस इन लोगों की राइनॉक्स की, प्रोडक्ट सही है पर इन लोग के जो सेल्समैन और जो सिस्टम है ना कि ट्राई नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उससे अच्छा तो ये जो छोटे छोटे वेंडर्स है ना वो अच्छे हैं कि भाई वो ट्राई करने तो देते हैं। तो राइनॉक्स के एक्सपीरियंस के बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे S9 गोरेगांव। यहाँ पे है सारे बहुत सारे जैकेट्स अवेलेबल है, ये DSG ट्राई किया बट ये नहीं इतना जमा। वही दूसरा है सोलेस वाला, वही वाला है ना जो वहाँ पे ट्राई किया, वही सोलेस ला रहा है ना, वो भी वही ला रहा है। राइनॉक्स के बाद मूड खराब हो गया सबका, दोनों का। मुझे पसंद आया राइनॉक्स का, या राइनॉक्स का जैकेट अच्छा था, बट डिसेंट था और अच्छा भी था, उसका फिटिंग भी अच्छा था, भी अगर निकालने देता तो थोड़ा स्टोर एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा तो क्या करेंगे, बहुत गंदा स्टोर एक्सपीरियंस था। और अभी मैं थक गया, अभी मेरा मूड ऑफ ही हो गया कि वीडियो करना ही नहीं है अभी। अभी यहाँ पे आया वो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी इसको दिखाया था, बेल दिख रहा था, DSG ऐसा लग रहा था हैंगर पे किसी को जैकेट पहना रही है। ये वाला DSG का था, ये अभी रवि भाई ने पहना था, इसके पीछे हम पे तो ऐसा इसको सेम बस खाली ये इसके ऊपर रवि की शक्ल लगा देंगे ना तो ये ऐसे निकल रहा था जैकेट। मैं उसको क्या बोल रहा था, बता चार अभी पहना है ना, चार पैर पे ऐसे खड़े रहे देखते हैं। अच्छा ये वाला है क्या? ये भी अच्छा लगता है ना नेकेड में। कितने का ये क्या प्राइस है? लेट्स सी, यहाँ पे ना एक ड्यू खड़ी है, इस पर लगा के चेक कर लेगा ये। लुकिंग गुड भाई, छोड़ दे, देख ले तू दूर से कैसी दिख रही है भाई, सेक्सी दिख रही है रे ना, देखो गाइस कैसी दिख रही है, बहुत बढ़िया दिख रही है। देख अगर गिरा ना तो ये तो टूट जाएगा, बट इसको प्रोटेक्ट कर तो देगा, तेरा जो लीवर है ना उसको तो प्रोटेक्ट कर देगा टूटने से। ये क्या करेंगे भाई लगा के, एक्सपीरियंस लगा है। हाँ अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? नहीं अच्छा लगेगा भाई, नहीं अच्छा लगेगा, देख लो। तो ये वाला लगाना, हाँ ये वाला लगाओ भाई, तो ये वाला मस्त लगेगा, ये वाला उसमें पैटर्न नहीं है, वो कार्बन फाइबर वाला है, वो महंगा वाला है। मैंने जो सस्ता लोकल लगाया ना वो लगाओ, ये निंजा 1000 में लगाओ। बट चौकीले लगा सकते हैं, ये अगर गिर गया हाथ में ऐसे घुस घिस गया तो वोल्वरिन बन जाऊंगा मैं। रवि भाई कुछ यूनिक वाला जैकेट पहन रहे हैं, ऑरेंज
एक साइड की बाजू ऑरेंज और एक साइड की बाजू रेड ट्राइमैक का एल साइज है, स्मॉल साइज मीडियम पड़ जाएगा। कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है? कुछ वर्ड्स ही नहीं है तेरे पास। अजीब लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है ये अलग सिला है इसने, ये अलग सिला है और इसे ही राइड के लिए आया है, ऐसे लग रहा है ना जोकर लग रहा है। पहले बेल दिख रहा था, सेम वही है ना? हाँ वही है। कैसा लगा राइनॉक्स ट्राई करने? अच्छा है इसका कंफर्ट। यहाँ पे तो ट्राई करने दिए राइनॉक्स स्टोर में, राइनॉक्स ट्राई करने भी नहीं दिए। ये थोड़ा प्रीमियम लग रहा है ना, सोलह से? हाँ सोलह से प्रीमियम लग रहा है ये, मतलब वही प्राइस रेंज में ना ये अच्छा प्रीमियम लग रहा है राइनॉक्स का। ओके टोमेटो कंफर्ट भी सही है इसका। इसमें कोई लाइनर नहीं है ना? कुछ भी नहीं आता ना इसमें, कवर भी नहीं आता है, कवर अलग से देना पड़ेगा। वो कितने का? वो बाहर ड्यूक 250 किसकी है आपकी? बैठ के देखो, लग तो अच्छा रहा है। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लुक अच्छा आ रहा है, बस ये थोड़ा लूज करना। हाँ नीचे कर जैकेट, नीचे करके थोड़ा टाइट कर उसको। है तो अच्छा तो लग रहा है। लिंग करो, लिंग करो। गिर के देखो, देखते हैं प्रोटेक्शन हो रहेगा। ये तो ऐसे होगा ही, सफाई ही होगा, बढ़िया कंफर्ट है रे, मतलब ठीक है। देखते हैं ऑरेंज फिर इससे ही मंगा ले, उसके पास क्यों जाने का? इसमें ये पोजीशन में मतलब होते ना आरसी की पोजीशन, आरसी की पोजीशन, ये आरसी की पोजीशन, आरसी की पोजीशन। ड्यूब देके जाना पड़ेगा, ड्यूब देके जाना पड़ेगा। देखो मेरा तो हो गया फिक्स राइनॉक्स टोर्नेटो क्या रे 4 प्रो। हाँ 4 प्रो। पर रवि भाई का अभी तक डिसाइड हुआ नहीं है, रवि भाई को कस्टमाइज़ करके देना पड़ेगा। रवि भाई तुम अपने कस्टमाइज़ कर लो, कोई वेंडर देख लो, उसको बोल दो भाई मेरे, मैं कपड़ा लेके आता हूँ, आप सिला के दे दो मुझे जैकेट। हाँ साइज अलग अलग ब्रांड की अलग अलग साइज़ रहती है ना, तो रवि भाई को नहीं हो रही है, कौन सी भी साइज़ नहीं हो रही है, अरे हर एक ब्रांड के स्मॉल साइज़। तो गाइस हम लोग हेलमेट्स एंड एक्सेसरी से निकल चुके हैं एंड मैंने ट्राई किया राइनॉक्स का जो टोर्नेटो 4 प्रो था, वो हम लोग ने ट्राई किया तो मीडियम मुझे सही आ रहा है, तो मैं कल जाके डायरेक्ट राइनॉक्स में जाके टोर्नेटो 4 प्रो लूँगा। तो ये बोलेगा कितना हरामी है ना, यहाँ पे ट्राई कर लिया इसने साइज़ और वहाँ पे जाके राइनॉक्स ही लिया इसने ऑरेंज। तो ठीक है ना, एक साइज़ तो पता चली मुझे कि हाँ फिटिंग और परफेक्शन सही हो रहा है, तो स्केला से अच्छा राइनॉक्स है, तो कल मैं डायरेक्ट जाके राइनॉक्स ही उठा लूँगा ऑरेंज कलर का। सोलेस से अच्छा राइनॉक्स है, तो कल जाके मैं राइनॉक्स से उठाऊंगा ऑरेंज कलर का। सो देखते हैं, सो ये वीडियो हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। बट अभी अभी लोग बोलेंगे कि पहले हम लोग राइनॉक्स की बुराई कर रहे थे, पर हम लोग राइनॉक्स की नहीं बुराई कर रहे थे, हम लोग स्टोर की बुराई कर रहे थे कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था। फिर तुम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे बोल रहे हो राइनॉक्स अच्छा है, तो बस ये क्लियर करना था। कंटिन्यू, तो रवि भाई को तो कुछ भी पसंद नहीं आया ना रवि भाई, अल्पाइन स्टार। भाई फिर गाड़ी भी वैसी लेनी पड़ेगी, ये सब नहीं पसंद आ रहा है मतलब। ए भाई को देख, अल्पाइन स्टार के चाहिए सारे सूट बीट। हाँ क्या करे बता, वो भी पसंद नहीं है, पहनेगा नहीं भाई, नहीं अच्छा लग रहा है। हाँ ना वो भी पसंद नहीं आएगा, फिर तेरे को गाड़ी भी देख, अल्पाइन स्टार के पहनने तो गाड़ी भी देख, तेरे को वैसी लेनी पड़ेगी। हाँ 1000 cc KTM भी अच्छा लगेगा। हाँ KTM भी अच्छा लगेगा। तो रवि भाई को तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, रवि भाई अभी कस्टमाइज़ अपना बना के ले लेंगे। तो हम ये वीडियो हम यहाँ पर ही एंड करते हैं, क्योंकि आज का दिन कुछ प्रोडक्ट बना नहीं, तो हम लोग सिर्फ यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। नोमैन और मैं तो 2 बजे से घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, ये रवि भाई के चक्कर में।
तो ये वीडियो हम यहाँ पर ही एंड करते हैं, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट। आई वांट टू रीच 1 million लाइक्स, सो प्लीज सरपकर, ओके, थैंक यू।